हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में हॉटस्पॉट स्पीड है, तो हॉटस्पॉट स्पीड को आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे आप हॉटस्पॉट स्पीड को बढ़ा सकते हैं अपने मोटो एज 40 फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो हमारे फ़ोन में मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में जो ऑप्शन आता है आपके फ़ोन में, तो उसका आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन आता है, तो आप कैसे अपने फ़ोन में हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। तो आपको हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग पे जाना है, फिर वाईफाई हॉटस्पॉट सेटिंग पे जाना है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको ऑन करना है, जिसके ज़रिए आपकी हॉटस्पॉट की स्पीड है हमारे फ़ोन में इंक्रीज हो जाएगी। जब भी आप हॉटस्पॉट नेटवर्क किसी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करते हैं, तो जो हॉटस्पॉट स्पीड है हमारे फ़ोन में या दूसरे फ़ोन में कनेक्ट शो करेगी। इसके ज़रिए आप किसी अदर्स फ़ोन के वाईफाई नेटवर्क की जो स्पीड होती है हॉटस्पॉट की बढ़ा सकते हैं, और अपने मोबाइल हॉटस्पॉट की स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हॉटस्पॉट स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। और साथ में देख सकते हैं आप, सर्च करके सेटिंग्स पर जा सकते हैं, एक्सटेंड कंपैटिबिलिटी ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका यूज़ करके आप हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।